हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम बैक टू स्किल विजार्ड। आज मैं नंबर सिस्टम का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा, जिससे आप लोगों की क्लियरिटी आएगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हम कुछ एनसीईआरटी और कुछ आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन लेंगे और कुछ उसके अलग तरीके का क्वेश्चन लेंगे, जो आपको जिस भी कोई भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड का एग्ज़ाम या स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखो, ऑर्डिनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? अगर रेशनल नंबर है तो क्या उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? अगर पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इसका आंसर क्या होगा? यस, यस, जीरो इज रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब इसका सेकंड पार्ट है, क्या इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, इट कैन, इट कैन बी रिटन एज पी वाई क्यू के फॉर्म में। कैसे? अब ये देखते हैं। जैसे कि अगर हमको जीरो ही तो है, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो अपॉन फाइव। बिल्कुल, अगर हम इसको जीरो को फाइव से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही होगा। तो ये पी वाई फॉर्म में लिखा गया। अगर हम जीरो को फिर भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन ट्वेंटी फाइव, सेम उसी तरह से, तो जीरो ही इसका आंसर आएगा अगर जीरो को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करते हैं तो। और इसमें आप देख सकते हैं कि Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे Q जो है जीरो नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 25 नॉट इक्वल टू जीरो है, 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे Q का जो होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस केस में सारा चीज प्रूफ हो चुका है। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, और क्वेश्चन है तो फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। इसमें एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द रेशनल, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। तो इसमें हम देखेंगे कि तीन रेशनल, छह रेशनल नंबर निकालना थ्री और फोर के बीच में। तो एक नंबर लाइन दे देते हैं और इसमें बोला जा रहा है क्या कि माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इनके बीच में छह रेशनल नंबर निकालना है, इन दोनों, इन चारों, इन दोनों के बीच में। तो वैसे हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर है। हम चाहेंगे तो 10 लाख रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 50 लाख निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि इसमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी बात चल रही है, 3 और 4 के बीच की बात चल रही है। तो हम 3 को क्या लेट मान लेते हैं, लेट ए इजकल टू 3, बी इजकल टू 1, तो ये हो गया, बी इसको ले लेते हैं, बी इजकल टू 4। अब इसमें हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है, तो n इजकल टू कितना निकालना है, 6 निकालना है। तो हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, k मान लेते हैं, k क्या होगा, n प्लस 1, जितना निकालना है उसमें 1 ऐड कर देना। तो n कितना है, 6 है, और प्लस 1 ऐड कर दो तो n की, k की वैल्यू 7 आ गई। बस एक फॉर्मूला है, इसी को सबसे मेन चीज यहां आप भूलिएगा मत कि n प्लस 1 करना है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम a जो है ना, a को k अपॉन k से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है, 3 है, और k की वैल्यू क्या है, 7 है। तो बस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 3, 21 अपॉन 7। इसी तरह से हम b को भी k से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी की वैल्यू कितना है 4, और 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 फोर 28 अपॉन 7, हमें दो नंबर पता चल गया, उन दोनों से हम उनके बीच में निकाल देंगे, तो 21 अपॉन 7 और ये इस साइड ले लेते हैं 28 अपॉन 7, इसके बीच में 6 नंबर निकालना है, तो बस एज इट इज लिख दीजिए 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7, ये 6 नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे भी इस निकालते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 4, हमें क्या निकालना है 3 अपॉन 4 के बीच में, हमें दो नंबर के बीच में निकालना है 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच में, अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो बस पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं। जैसे क्या a को हम क्या ले लेते हैं, a को हम 3 अपॉन 5 ले लेते हैं, b को क्या ले लेते हैं, b को हम क्या ले 4 अपॉन 5 ले लेते हैं। अब इसमें n की वैल्यू हमें पता है, n कितना निकालना है 5 निकालना है, तो 5 कर देते हैं, और k की वैल्यू क्या होगी n प्लस 1, तो कितना हो जाएगी 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, सेम एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे, a को k से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू k अपॉन k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30, और b को भी बस इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देना k अपॉन k से, तो b की वैल्यू क्या 4 अपॉन 5 और k की क्या वैल्यू है 6 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 20 4 और 6 5 जा 30, हमें दो नंबर मिल गया, दोनों नंबर के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो 18 अपॉन 30 और 24 अपॉन 30 के बीच में 6 रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो बस 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 एंड 23 अपॉन 30, तो ये हमारा 5 रेशनल नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, हम ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में नहीं, बस इसी प्रोसेस के हिसाब से हम चलेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। बट इसमें और भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, और उसके बीच में अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने देखा कि नोमिनेटर दोनों में सेम ही है, 5 है 5 है, नीचे वाला पर्सन जो है वो हमेशा दोनों में सेम ही है, 5 है 5 है, अगर इस किसी में अलग हो तो क्या करेंगे। तो जस्ट इसी के तरह अगर हमें दे दिया जाए, दो नंबर दिया हुआ है, लिखा गया है विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द रेशनल नंबर 3 अपॉन 5 एंड 5 अपॉन 7 इज ग्रेटर, इसमें पूछा जा रहा है 3 अपॉन 5 और 5 अपॉन 7 के बीच में कौन बड़ा है। इसी का सेकंड पार्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 5 अपॉन 7, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर क्या है 3 अपॉन 5 है एंड 5 अपॉन 7 है, तो इसमें कौन बड़ा है सबसे पहले देखेंगे, तो हम सब सिंपल सी क्वेश्चन है, ये है 3 अपॉन 5 और ये क्या है 5 अपॉन 7, बस हमें एक चीज गौर करना है कि हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों के नीचे वाला पोर्शन बराबर हो जाए, तो सबसे इजी है क्या कि इस ये वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 अपॉन 5 को ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई करते, तो हो गया बस कर दो, तो कितना होता 3 7 21 और 3 7 5 35, बस ये नंबर एक मिल गया हमें। अब इसमें सेम वैसे ही करना है, 5 अपॉन 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि ये वाला जो नंबर सेम आ जाए, तो हम बस इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सेम आ जाएगा, तो क्या 5 × 5 = 25 और 7 × 5 = 35, देखिए हमने नीचे वाले दोनों को बराबर लिया। अब हमें 21 अपॉन 35 और 25 अपॉन 35 में ये देखना बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो इजी हम देखेंगे दोनों सेम है नीचे का, तो बस ऊपर वाला चेक करना है, ऊपर वाला में जो बड़ा होगा बस वो बड़ा हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट वह सेम ही इजी ही है, बस हम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखेंगे,
हमें दो नंबर मिल चुका है, अब इन दोनों के बीच में हमें पांच नंबर निकालना है। तो बस इसको ए, एक को ए ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और बस हमें क्या करना है, एन की वैल्यू, एन क्या है, पांच है, तो पांच निकाल लेते हैं, और के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू हो जाएगी एन प्लस वन, तो फाइव प्लस वन कितना होता है, सिक्स होता है। तो हमें क्या करना है, ए को सिक्स अपॉन सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ट्वेंटी वन अपॉन 35 इंटू सिक्स अपॉन सिक्स, बस कर देंगे 21 को 6 से होगा 6 1 6 और 6 2 12 हो गया 126, और उसके नीचे क्या आ गया 6 5 30 एंड 6 3 18 और 3 21। और b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 25 अपॉन 35 इंटू सिक्स अपॉन सिक्स, तो बस 6 5 30 और 6 2 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15, और इधर नीचे आ जाएगा 6 5 30 और 6 3 18 और प्लस 3 तो 21। बस अब इसके बीच में हमें निकाल देना है 126 और 150 के बीच में निकाल देना है, तो 126 अपॉन 210 और ये हो जाएगा 150 अपॉन 210। बस इसमें क्या करना है, अब इनके दो दिनों के बीच में निकाल देना है फाइव नंबर, तो 27 अपॉन 210, 128 अपॉन 110, 129 अपॉन 210, 130 अपॉन 210 एंड 131 अपॉन 210। बस निकल गया पांच नंबर हमें, इसी तरह से हम पांच रेशनल नंबर को इनके बीच में निकाल लिए हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप अपने मेथड से तरीके से निकाल सकते हैं, ये नहीं कि हमें बुकीज मेथड ही लगाना है या हमारे टीचर जो बताएं उसी तरह से निकालना, हमको जो इजी लगे उस तरीके से हम निकालेंगे। और अगर इस तरीके से आप देखते हैं तो बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसी तरह से हम आगे भी अपने ही मेथड से, जो इजी मेथड है जो बच्चे को याद होता है, बुकीज मेथड याद करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इसी तरह से हम आगे वाले वीडियो में भी, आने वाले वीडियो में भी इसी तरह से इजी मेथड से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और अगर मुझे ऐसा लगा कि इससे भी इजी मेथड है तो उस मेथड से भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये कोई पहली बार आप लोग कोई भी वीडियो, पहली वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने और भी नंबर सिस्टम पर वीडियो बनाया, उसको देखें, उसके बाद इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, नंबर को चेंज करके करने की कोशिश करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट सब लोग जानते हैं, जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।